दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त मोहन मरावी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मरावी मोहन ब्लॉग्स। तो आज पहली बार सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा आपसे कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि अपने फेवरेट शुएब चौधरी, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर और पत्रकार हैं, जनरल सोशलिस्ट हैं, इनका हो गया है, लगता है कि अपहरण, क्योंकि ये जानकारी निकल के आ रही है और ये जानकारी दे रहे हैं अपने आबिद अली भाई। आबिद अली भाई ने ऐसी ऐसी बात बताई है कि वो एक तो कस्टडी में भी नहीं है, उनका कोई पता नहीं है, किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये वीडियो और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करेंगे, आपसे यही आशा करता हूँ। क्योंकि शोएब चौधरी ही एक ऐसा इंसान है कि जो कि दोनों देशों की मित्रता को लेकर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों में भारत के प्रति जो घृणा है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, उसको दूर करने का काम करते हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता हो जाए इसके लिए काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि आबिद अली भाई ने जैसा बताया है उस प्रकार से ज़्यादा ही कुछ टेंशन वाली बात है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। नहीं हो सकता एक को करें, दो को करें, जितना हो सकता है शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शुएब चौधरी कहां है उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेनस्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अली हमजा और नैला शैला ये एक ग्रुप है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे बटोरना चाहते हैं और जो जरा सा उठ रहा होता है ना उनके अंगेस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्हें पाकिस्तान का गद्दार दिखाना चाहते हैं, उनसे पैसे बटोरना चाहते हैं। जो पैसे दे दे वो तो ठीक है, जो पैसे ना दे वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होने देंगे। शुएब चौधरी जिसे इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि शुएब चौधरी को हम खो बैठेंगे। आपको अंदाजा नहीं है उसका दिमाग कितना जीनियस इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है। काश कभी आपने उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौका दिया होता तो आपको पता चलता कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है। वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी है जो पाकिस्तान को टैक्स भी देता है, पाकिस्तान से प्यार भी करता है, पाकिस्तान के गरीब लोगों को राशन भी देता है। और सिंध गया, सिंध में जाके उसने हिंदू कम्युनिटी जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है उन्हें राशन दिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी की उस बस्ती में गया जिसे आग लगा दी गई उधर जाके उसने पैसे दिए लोगों को, राशन दिया लोगों को, लोगों की पूरी हेल्प की। आजाद कश्मीर गया, आजाद कश्मीर में जाके उसने मुसलमानों को जो है राशन दिए जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था। आज वो शुएब चौधरी गद्दार है। देखें आप कहते हो ना कि वो हिंदुओं की बात करता है, रिबाहा के साथ क्या हुआ, उसे एक इस्लामिक टैग लगा के गद्दारे मुस्लिम का टैग बना के उसे कहा गया कि तुम लोगों को जो है ना पैसे दे के डॉलर दे के तुम कहती हो कि हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, फला बन जाओ। लेकिन मैं अली हमजा से पूछना चाहूंगा, अली हमजा आपको नहीं पता कि ये बात नैला शैला ने की थी। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। शुएब चौधरी का कैमरा, माइक, मोबाइल, इच एंड एवरीथिंग जो भी चीजें थी वो सब पुलिस के कब्जे में है। ये एक वीडियो हम लोगों ने मोबाइल से बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है, जैसी भी बनी होगी प्लीज 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 इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि पूरी दुनिया में शुएब चौधरी की आवाज बन जाएं, आप सच्चाई की आवाज बन जाएं और सच को इतना प्रमोट करें, इतना प्रमोट करें कि यूनाइटेड नेशन तक ये बात जाए कि शुएब चौधरी के साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या उसमें झूठा टैग लगाया जा रहा है। जी तो दोस्तों मैं हूं आबिद अली और बड़े ही अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि आज हमारे साथ शुएब चौधरी मौजूद नहीं है। वो कहां है, किधर है, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने उसकी टीम मेंबर्स को, शुएब चौधरी को, उसकी सारी टीम को बार बार फोन किया, बार बार फोन किया, किसी का नंबर नहीं मिल रहा, कहीं से कोई रابطہ नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं है कि शुएब चौधरी कहाँ है, किस जगह पे है, किस हालात में है, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, हमें इस चीज का नहीं पता। बड़ी मुश्किल से शुएब चौधरी के टीम मेंबर हैं जो सिर्फ ऑफिस में होते हैं, उनका काम ही ऑफिस तक है, उनसे बड़ी मुश्किल से रابطہ हुआ, जिस टीम मेंबर को शुएब चौधरी ने किसी भी तरीके से कार्ड पूछाया, जो वीडियोस आपने देखी कि शुएब चौधरी के साथ क्या हुआ उसका तीसरा पार्ट भी चंद घंटों में आने वाला है, आप प्लीज उसे भी देखिएगा, क्योंकि इस चैनल को इस टाइम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं उसे चला रहा हूं और ये लोग जो समझते थे कि शुएब चौधरी नहीं होगा तो
तो ये चैनल वीरान हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे अलावा और बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो शुएब चौधरी के चैनल को दोबारा से लोगों तक सच पहुंचाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारे मामलात हुए, आप मुझे शुएब चौधरी के टीम मेंबर ने ये बताया कि शुएब चौधरी का कैमरा, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज थाने में है, पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले ली हुई है। अब ये नहीं पता कि शुएब चौधरी कहाँ है, इसके बारे में नहीं पता। इंशाल्लाह वो भी हम आपको पता लगा के बताएंगे कि शुएब चौधरी कहाँ है और किस हालात में है। अब शुएब चौधरी के साथ क्या हुआ, क्या मामलात हुए, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अली हमजा नाम का एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान में एक नाकाम तरीन यूट्यूबर है, जिसे ना कोई देखना पसंद करता है और ना कोई सुनना पसंद करता है। आप उसके चैनल पे चले जाइए, आप उसकी वीडियोस देखें, किस किस्म की वो वीडियो बनाता है, लोगों के घरों में इल्जामात लगाता है, लोगों को सड़कों पे इल्जामात लगाता है, अपने कानून पे इल्जामात लगाता है, अपनी गवर्नमेंट पे इल्जामात लगाता है, और जिसकी वीडियो 5-10 हजार से ज्यादा लोग नहीं देखते, इसका मतलब यह कि उसे लोग नहीं देखना चाहते हैं। अब वो एक शुएब चौधरी ब्रांड, शुएब चौधरी एक नाम जिसे लाखों लोग देखना चाहते हैं, दिलों की धड़कन है शुएब चौधरी, तो वो शुएब चौधरी का नाम यूज करना चाहता है, जिसकी वजह से वो ठप्पा क्या लगा रहा है, शुएब चौधरी को पाकिस्तान का एंटी बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान का गद्दार बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान का दुश्मन बनाना चाह रहा है और इंडिया का एजेंट बनाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सच बोलने वाले पाकिस्तान में जिंदा है। अब हम आपको बताएंगे एजेंट कौन है और मुहब्बे वतन कौन है। आज मैं शुएब चौधरी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूं, मुझसे वो कई बातें डिस्कस करता है, कई बातें मेरे सामने होती हैं। शुएब चौधरी चाहे तो दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके वो नेशनल हो सकता है। लोग उसके तरले करते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप अपनी फैमिली को लेके अमेरिका आ जाइए, आप कैनेडा आ जाइए, आप फलां कंट्री में आ जाइए। लेकिन उस बंदे ने पता क्या कहा मुझे कि आबिद भाई, पैसे कमाना नहीं चाहता मैं, दुनिया की किसी कंट्री में नहीं जाना चाहता, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हमने पाकिस्तान को उजागर करना है, हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा वो बेचारा ये सोचता है बैठ के। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अली हमजा की असल बात बताता हूँ कि असल वजह क्या है। देखें, चंद साल पहले आपने रिबाहा केस देखा होगा, रिबाहा के साथ क्या हुआ, उसे एक इस्लामिक टैग लगा के, गद्दारे मुस्लिम का टैग बना के उसे कहा गया कि तुम लोगों को जो है ना पैसे दे के, डॉलर दे के, तुम कहती हो कि हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, फला बन जाओ। लेकिन मैं अली हमजा से पूछना चाहूंगा, अली हमजा आपको नहीं पता कि ये बात नैला शैला ने की थी? आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे। यरबाहा ने नहीं की थी, आज नैला शैला दंद बनाते हुए पुलों के ऊपर वीडियो बनाती है जाके, कि आपको नहीं पता वो पुलों में वीडियो बनाती है। तो आप आज तक जाके उनसे ये सवाल किया नैला शैला से? ये देखिए, नैला शैला का ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल मामला है कि वो चाहे क्रिश्चियन बने, चाहे हिंदू बने, चाहे जो मर्जी बने, लेकिन नैला शैला ने ये कहा कि मैं सनातन होना चाहती हूँ। देखिए, ये उसका अपना पर्सनल है, वो सनातन हो जो मर्जी हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अली हमजा से, क्या आपने रबाहा तक तो आप चले गए किसी के कहने पे, आप नैला शैला तक नहीं पहुंच सके? और एक और चीज बताता चलूं, सना अमजद भी इस मामले में इन्वॉल्व है जहां तक मुझे खबर आई है, वो आप भी सुन लीजिए। हेलो, अच्छा मैं कह शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बताओ सना, क्या कह रही थी ये बताओ। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं शो करने आए थे तो अच्छा, हम खड़े हुए थे अच्छा, तो सना ना किसी दो लड़कों के साथ खड़ी बात कर रही थी कि जी पहले बाप केस भी हुआ, मेरा नाम आया, फिर जिस तरह के साथ हुआ वो तो मैं कहती खुद कहा मैंने अच्छा हुआ, इसका होना चाहिए था, ये ज्यादा हुआ हमने उल्टी थी, ठीक है। उसके बाद फिर कहती अब आप भी दली और ना स्वेब, इतनी इतनी आवाज में समझ आई, आगे साथ ही ना आवाज मतम कर ली थी इसने, तो मैंने इसके तो मुड़ के देखा तो आगे ना मुझे देखे मुस्टंडो और हंस रही, मैं कोई ना कोई फिल्म दोबारा चलाने लगी, प्रोपोगंडा दोबारा शुरू होने लगा कोई। उसके बाद फिर स्वेब को कल कॉल कर रहे थे कि यार आप जरा लड़ रहे ना, ऐसे से हमने सुना के मुंह सुना, ठीक है, तो स्वेब भाई ऐसे कॉल नहीं उठाई, ठीक है, तो फिर रात को फिर वीडियो पता लग गई, देख लिया। खैर कोई मसला नहीं है, देखो हम लोग लीगल हैं, हम लोग गलत हो ना, मेरी बात सुनो ना, हम अपने स्टेट के खिलाफ हैं, हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे 36,000 भी उठ के आज हमारे पर इल्जामात लगाए, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अली हमजा और नैला शैला ये एक ग्रुप है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे बटोरना चाहते हैं, और जो जरा सा उठ रहा होता है ना
उनके अंगेस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्हें पाकिस्तान का गद्दार दिखाना चाहते हैं, उनसे पैसे बटोरना चाहते हैं। जो पैसे दे दे वो तो ठीक है, जो पैसे ना दे वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होने देंगे, ये जो हो चुका सो हो चुका, अब दोबारा ये नहीं होगा। और इसके अलावा देखिए, मैं नैला शैला की बात बताना चाहता हूँ कि ये अब जैसे इन्होंने आबिद अली के लिए एक वीडियो बनाई कि आबिद भाई हम तो आपके साथ हैं, इसी तरह ही शुएब चौधरी के लिए वीडियो बना रही हैं। देखिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो देखने में और होते हैं और पीछे किस किस्म के वार कर रहे होते हैं जो आपको समझ नहीं। आप इधर से अंदाजा कीजिए ना कि अली हमजा ने नैला शैला को क्यों नहीं पकड़ा, नैला शैला दिकर क्यों नहीं पहुंचा। अभी वो रबाहा को कह रहा है कि आप जो है लोगों को जबरदस्ती जो है ना पैसे देके आप हिंदू करवा रही हैं। तो जिस नैला शैला ने कहा कि हम हिंदू होना चाहती हैं या हम हिंदू हैं, उस तक अली हमजा क्यों नहीं पहुंचा। इस चीज से समझिए कि ये पैसे इकट्ठे करने का एक ग्रुप है जो एक शरीफ इंसान को, एक अच्छे इंसान को मुल्क का गद्दार बनाना चाहते हैं। आज ऐसा नहीं होगा। और शुएब चौधरी, एक शुएब चौधरी अंदर होगा, एक शुएब चौधरी पकड़ा जाएगा, हजारों शुएब चौधरी पैदा होंगे। किस किस को पकड़ोगे? और शुएब चौधरी का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी करना चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की तजारत हो, हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे पाकिस्तान पे दुनिया पे भरोसा किया जाए, तो वो ये चाहता है। और ये लोग वो नहीं चाहते। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं दोस्तों, शुएब चौधरी जिसे, इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि शुएब चौधरी को हम खो बैठेंगे। आपको अंदाजा नहीं है उसका दिमाग कितना जीनियस इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है। काश कभी आपने उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौका दिया होता तो आपको पता चलता कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है। वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी है, जो पाकिस्तान को टैक्स भी देता है, पाकिस्तान से प्यार भी करता है, पाकिस्तान के गरीब लोगों को राशन भी देता है। और सिंध गया, सिंध में जाके उसने हिंदू कम्युनिटी जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है उन्हें राशन दिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी की उस बस्ती में गया जिसे आग लगा दी गई, उधर जाके उसने पैसे दिए लोगों को, राशन दिया लोगों को, लोगों की पूरी हेल्प की। आजाद कश्मीर गया, आजाद कश्मीर में जाके उसने मुसलमानों को जो है राशन दिए जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था। आज वो शुएब चौधरी गद्दार है? देखें, आप कहते हो ना कि वो हिंदुओं की बात करता है, वो तो मुसलमानों को भी राशन दे रहा है, वो तो क्रिश्चियंस को भी राशन दे रहा है, वो तो हिंदुओं को भी राशन दे रहा है। तो आप बस भी टैग लगाने की कोशिश ना करें, सच्चे मुसलमान को सच्चा मुसलमान रहने दें, उसे जबरदस्ती इंडियन एजेंट ना बनाएं, ना वो इंडियन एजेंट है और ना वो होगा। और एक और चीज, अगर आपने शुएब चौधरी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो सबसे पहले आबिद अली सड़कों पर आएगा, लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गैंग को, इस ग्रुप को हम पकड़ेंगे और ये बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, अकवाम मुत्तहदा तक ये बात जाएगी। और ये कौन पूछाएगा? ये आप लोग पूछाएंगे, देख पूछाएंगे। आपसे प्लीज दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करे, नहीं हो सकता एक को करें, दो को करें, जितना हो सकता है शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शुएब चौधरी कहाँ है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे इदारों से पूछना चाहूंगा कि शुएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राबता हो, किसी से उसकी कोई बात हो तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शुएब चौधरी के खिलाफ कोई प्रूफ है, अगर उसने कहीं गलत किया है, तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में और मुझे दिखाएं, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर आप ना दिखा सके, आप उन्हीं थंबनेल पहले दिखा देते हैं, थंबनेल के अंदर क्या है वो भी तो दिखाइए भाई कि उसके अंदर क्या है, वीडियो क्या है। आप थंबनेल का तो जो मर्जी मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी लफ्ज लिखा हो उसके 10 मतलब बनते हैं, तो आप तो जो मर्जी मतलब अपनी तरफ से देते हैं, जो मर्जी बन सकता है भाई। आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखें कि उस वीडियो के अंदर क्या है, वो मुहब्बे वतन है या गद्दारे वतन है। और नैला शैला आप और अली हमजा, आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इससे पहले आप जिन लोगों के खिलाफ एक्टिंग करते रहे ना, वो और लोग थे, ये शुएब चौधरी और लोग है, इसके दिमाग के बारे में आपको नहीं पता। ये पढ़ा लिखा इंसान है, खुद वकील है, और आप इसके ऊपर झूठे टैग नहीं लगा पाएंगे, ये याद रखिएगा। और तमाम यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर है, इनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि देखें, ये सब हमदर्दी का अवार्ड लेने के लिए, अपने अपने आप को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, आज शुएब चौधरी की हमायत करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि कभी उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम उसके साथ हैं,
तो ऐसे झूठा साथ हमें नहीं चाहिए। हम इंशाल्लाह खुद सड़कों पे आएंगे। हम खुद और आप अगर चाहते हैं ना कि शुएब चौधरी मजलूम है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मेरे साथ आए सड़कों के ऊपर, आप मेरे साथ खड़े हो सड़कों पे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, हजारों लोग अपने घरों से निकलेंगे और खाली झूठे नारे लगाने से, झूठे दावे कर देने कुछ नहीं होता। तमाम यूट्यूबर को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, तमाम को ये मैसेज मैं देना चाहूंगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अली हमजा और नैला शैला अब ये आपस में खेलेंगे अटैक अटैक कि हमारे पर झूठा अटैक हो गया। क्योंकि क्यों अटैक होगा, क्यों ये सारा ड्रामा होगा कि वो कहने वाला होगा अली हमजा कि देखें सनामजद पे भी हुआ, नैला शैला पे भी हमने किया, शुएब चौधरी पे भी किया। शुएब चौधरी तो लाहौर भी वीडियो करता है, शुएब चौधरी कराची में भी करता है, इस्लामाबाद भी करता है, लाहौर में भी 10 जगहों पे करता है। नैला शैला तो एक ही जगह पे वीडियो करती है। क्या आप उस जगह पे नहीं पहुंच सके? शुएब चौधरी को कैसे ढूंढ लिया आपने? ये सब ड्रामा है। और अली हमजा आपको मैं मुहातिब करके ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह शुएब चौधरी ने आपको धोया है, जिस तरह आपसे सवालात किए हैं, अरे यार आप तो जर्नलिस्ट कहते हो अपने आप को, आपको तो एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उसने पूछा आपसे कि ये बलूचिस्तान कब पाकिस्तान का सूबा बना, आपको इस चीज का जवाब दिया गया। उसने आपसे पूछा कि आप सिंध के मंदिर के बारे में बताएं, आपसे उस चीज का जवाब नहीं दिया गया। उसने कश्मीर के बारे में पूछा, आपसे उस चीज का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जर्नलिस्ट किसने बना दिया भाई मेरे? बलूचिस्तान के ऊपर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आपने अभी तक अपनी एक भी वीडियो बनाई? इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए हौसला चाहिए, सच बोलने के लिए भी हौसला होता है। आपसे ना बलूचिस्तान पे कभी वीडियो बनी है, ना आप बना सकते हैं, क्योंकि आप फेक काम करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं, आप बिकाऊ माल हो, क्योंकि सही लोगों को आप गलत करना जानते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन तक जाएगी। कैसे जाएगी? शुएब चौधरी की आवाज जब सिंध में मंदिर का मामला बना तो सिंध असेंबली तक बात गई, यूनाइटेड नेशन तक बात गई, और ये बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, उकवाम मुत्तहिदा तक जाएगी, दुनिया के हर कोने में जाएगी। और कैसे जाएगी? आप पूछाएंगे इसे, मैं पूछाऊंगा इसे। और प्लीज मैं दोबारा फिर अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को जरूर शेयर करें। इस तरह आप शेयर करते रहेंगे तो ये आवाज हमारी पूरी दुनिया तक जाएगी। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, मुझ पे पर्सनल अटैक होते हैं, मुझसे ये लोग पूछते हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हो कि पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए, पाकिस्तान के सदर बन जाए। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी किसी एक वीडियो में ये निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए। वो कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम? वो इंडिया से हैं, हम लोग पाकिस्तान से हैं। और मेरी हर वीडियो में हमेशा मैंने ये बात की है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी पॉलिसी वाला इंसान चाहिए। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान इंडिया दोनों इकट्ठे आजाद हुए, दोनों ने इकट्ठे आजादी का सफर स्टार्ट किया, आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, पाकिस्तान नहीं बन सका। अगर ये बात हम पूछते हैं तो ये गद्दारी है। आज मैं पूछता हूं, इंडिया चांद पे चला गया, पाकिस्तान ने चांद पे जाने वाला सिलसिला इंडिया से बहुत पहले शुरू किया था, तो पाकिस्तान चांद पे क्यों नहीं जा सका? अगर मैं और शुएब चौधरी ये पूछते हैं तो ये गद्दारी है, मुझे इस चीज का बताएं। और अली हमजा मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, दुआ करें कि शुएब चौधरी खैर आफियत से वापिस आ जाए। और मुझे बड़ी उम्मीद है, सच्चा इंसान जो है ना वो कभी कभी नहीं किसी घाटे में नहीं जा सकता, और वो इंशाल्लाह वापस आएगा, वो खैरियत से होगा। और मैं अली हमजा आपसे चैलेंज करता हूं इस चीज को लेके, जब शुएब चौधरी वापस आएगा आप आमने सामने उसके साथ डिबेट करना, आप रो के नाना उधर से उठे तो आप मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोलना और पब्लिक का झूठा सहारा ना लिया। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ, आज फिर बताना चाहूंगा कि जहां मुसलमान और हिंदू का कॉन्सेप्ट आ जाए, अभी किसी भी थर्ड पर्सन को मैं पूछूंगा ना कि हिंदू कैसे होते हैं तो ये कहेंगे हिंदू बुरे होते हैं। अगर मैंने कहूंगा कि ये भाई या आबिद अली हिंदुओं की साइड लेता है और मुसलमानों को बुरा कहता है, इंडिया को अच्छा कहता है, तो ये लोग मुझे बुरा कहेंगे। जब मैं इनसे सच कहूंगा ना कि भाईजान क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करे और हमारे मुल्क में हर चीज सस्ती हो या हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में नाम करे, आप नहीं चाहते? चाहते हैं आप चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है? मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने तो अपनी हर वीडियो में कहा है कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारे बच्चे पाकिस्तान में मरेंगे, हम बच्चे हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में मरेंगे। आप नहीं कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद? चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए? नहीं चाहते हो आप? ये दोस्तों देखें मैं आपको बताना चाहूं, ये हमारा पाकिस्तानियों का माइंड है, इसमें इनका कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये अगर हमारी 4 वीडियो देख लें
जिसमें हम प्रूफ के साथ बताते हैं कि अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाए, आलू प्याज टमाटर इच एंड एवरीथिंग, ये चीजें जो हम 100 रुपए किलो खरीदते हैं ये 10 रुपए किलो पे आ जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप 10 रुपए किलो खरीदें? क्या आप ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें हर चीज सस्ती मिलने लग जाए? आज से 10-20 साल आप पीछे चले जाओ तो इंडिया के साथ जब हमारी दोस्ती थी, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी, इंडिया से हमें फल आते थे, आलू आते थे, टमाटर आते थे और सस्ते मिलते थे। और तो आप ये दोबारा वो दौर देखना नहीं चाहते हो? अंकल आप बताएं, आप वो दौर नहीं देखना चाहते? कोई आगे चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मजबूर हो गए थे। अच्छा, मजबूर हो गए थे तारीफ करता है या इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है तो आप कहेंगे कि ये तो बंदा गद्दारे मुल्क है। लेकिन जब आप हकीकत नहीं देखेंगे, जब तक आपको दोस्तों हकीकत का पता नहीं चलेगा कि हम इंडिया से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करते हैं, इंसानियत को लेके, इंसानियत का भला करने के लिए। देखिए इंडिया आईटी में एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में उसकी आईटी एक्सपोर्ट होती है। अगर आज हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, क्या आईटी में हम कुछ नहीं ले सकते? इंडिया से बहुत चीजें ले सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया को पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, उसने क्या लेना है हमसे, हमें चाहिए। हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, हमारी ट्रेड खुलेगी, हमारे लोग आईटी में एक्सपर्ट बनेंगे, हमारे लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे लोगों को आटा दाल चीनी राशन ये चीजें सस्ती मिल, और हम ये मुहिम चलाएंगे, हम ये मुहिम चलाएंगे कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, अगर हम चाहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती हो, श्रीलंका से हमारी दोस्ती हो, अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती हो, तो इंडिया से क्यों ना दोस्ती हो? इंडिया के साथ तो हम लोग रहते थे, हम खाते पीते थे, इंडिया के साथ कल्चर हमारा सेम है, हमारा रहना सेम है, हमारी जुबान सेम है, उनकी मूवीज हम देखते। अली हमजा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इंडिया की मूवीज नहीं देखते हो? झूठ ना बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोलना आपका पेशा है। आप सच बताएं, क्या आपको इंडिया की मूवीज के नाम नहीं आते? इंडिया के एक्टर्स का आपको नहीं पता? इंडिया की ड्रेसिंग आप नहीं पहनते? इंडिया के गाने आप नहीं सुनते? आपकी गाड़ी में भी इंडियन गाने लगते होंगे, आपके मोबाइल में भी इंडियन गाने लगते होंगे, आपके बच्चे इंडियन मूवीज देखते होंगे, आपकी वाइफ इंडियन मूवीज देखती होगी, लेकिन आप झूठे इंसान हो, आप सच बोलोगे। और याद रखिएगा अली हमजा, शुएब चौधरी अकेला नहीं है, आपने बहुत से लोगों पे मजहबी टैग लगाए हैं, आपने बहुत से लोगों को पाकिस्तान का दुश्मन साबित करने की कोशिश की है। इस बार ये कार्ड आपका कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब जनरेशन पढ़ी लिखी है, अब पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसे ड्रामेबाजों को ना लोग समझते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको कोई देखना नहीं चाहता, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे ऊपर आप पूरा यकीन कीजिए, आप अली हमजा के चैनल पे जाइए, उस चैनल पे जाके आप जरा इनकी डिटेल देखें, इन्हें 5-10 हजार से ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते। 5-10 हजार लोग भी इनके अपने ही होंगे, जिनके मोबाइल पकड़ के कहते होंगे हमारी वीडियो देख लो, हमारी वीडियो देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह शुएब चौधरी वो है जिसे 10-10 लाख लोग देखते हैं, 10-10 हजार कॉमेंट आते हैं, वो बंदा है। क्यों? किसे लोग देखना चाहते हैं? जो सच बोलता है, और वो एक खानदानी आदमी है, घरेलू इंसान है, उसके माँ बाप बहन भाई सब शरीफ लोग हैं, मैं सबको जानता हूं। और यूट्यूबर्स को रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज को लेके कि प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एक बार अली हमजा भी हिल जाए क्या हो गया है। और ये पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन तक ये वीडियो जानी चाहिए, लोगों को पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मैं पाकिस्तान में पैदा हूं, हम पाकिस्तान में मरेंगे। शुएब चौधरी भी पाकिस्तान में पैदा हुआ है और वो पाकिस्तान में ही मरेगा। वो तो अपने मुंह से मुझे ये कहता है कि आबिद भाई मैंने अमेरिका नहीं जाना, मैंने लंदन नहीं जाना, मुझे तो लोग नेशनल करना चाह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान को बेहतर करूंगा, पाकिस्तान में जीऊंगा, पाकिस्तान। और वो तो ये भी कह रहा था कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान बनूंगा, कि पाकिस्तान में बेहतरी करूंगा, लोगों को जो सहूलियात नहीं मिल रही वो उन्हें पहुंचाऊंगा, अच्छे स्कूल बनवाऊंगा, अच्छे कॉलेजेस बनवाऊंगा, उसका ज़ेन ये है। शेम शेम शेम, हुब्बे वतन इंसान को आप इंडिया का एजेंट बनाना चाहते हैं, नहीं छोड़ेंगे आप। और 76 साल ना हम लोगों ने नफरतें बांटी हैं, 76 साल के बाद, 76 साल पूरे 76 साल आप लोगों ने नफरतें बांटी हैं, लोगों के ज़ेन खराब किए हैं। 76 साल के बाद
अब ऐसा दौर आया कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सच्चाई बता रहे हैं। शुएब चौधरी अब इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है तो आप उसे गद्दार कर देंगे, अब ये आपकी टिकट नहीं बिकेगी, ये अपना ज़हन बना लीजिए। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि शुएब चौधरी का कैमरा, माइक, मोबाइल, इच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें थी वो सब पुलिस के कब्जे में है। ये एक वीडियो हम लोगों ने मोबाइल से बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है, जैसी भी बनी होगी प्लीज 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 इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि पूरी दुनिया में शुएब चौधरी की आवाज बन जाएं, आप सच्चाई की आवाज बन जाएं और सच को इतना प्रमोट करें, इतना प्रमोट करें कि यूनाइटेड नेशन तक ये बात जाए कि शुएब चौधरी के साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या उसमें झूठा